सुजन मजबूत है उनको पैगाम दें कि जीना होगा मरना होगा, हकीकत लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, आज भी होगा कल भी होगा, धरना होगा, धरना होगा, नारा तकबीर, मौजूद हूँ और रात भी बाजार से जगाना के बाहर ही हम लोग सोए। ये जो भी तुम्हारी बात है सिर्फ मेरे अकेले की जात के लिए नहीं है, हर उस मुलाजिम की नजर जो मेरी तरफ देखती है सलाम करता है और पूछता है कि बाजवा साहब बजट में क्या हो रहा है, हम क्लास फोर के मुलाजिमों के लिए कुछ करें, एक से सोलह के मुलाजिमों के लिए कुछ करें, ऑनलाइन चल गए अगर अफसरान का एग्जेक्टिव अनाउंस हो गया हम रह गए, आपको पता है फिर सही कि ये मेरे अकेले का मसला नहीं है और कोई कार्रवाई होती है किसी किस्म की तो ये आप सब को पता है कि सबसे पहले नंबर पे मेरा नाम होगा, मगर मैं उसके लिए तैयार हूँ, हम भी तैयार हैं, हम भी जिंदाबाद, मगर कम से कम मेरे साथ के लिए नहीं अपने बच्चों का जो जायज आईनी हक है उसके लिए तो साबित कदम रहे, क्योंकि आज के दिन जो अंदर जाएगा वो बेसिकली अपने साथ तो ज्यादा कर रहा है, वो हमारे बच्चों के हक के ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर समझौता करने की कोशिश कर रहा है। हम पुरमन थे, उधर तो पुरमन है, पुरमन नहीं है, गैर सियासी थे, गैर सियासी है, गैर सियासी नहीं है, हुकूमत को अगर ये लगता है कि ये धरना उनके खिलाफ है तो शोक हो, मगर एक चीज बहुत वाजी है कि हम अपनी जो भी मुंतजिब हुकूमत है उसके साथ है, मगर अपने मुलाजमीन या जायज आईनी हकूक के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे, जियो एक बंद है तो बंद रहेंगे, उसी सूरत में खुलेंगे मुझे उठाए और रात का दरवाजा खोले मुझे वहां पे अंदर कर दे जेल के, फिर ये दरवाजे खुलते रहे मेरे बाहर रहते रहे, कम से कम ये दरवाजे आज नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, हर बंदे का ये जोर जज्बा होना चाहिए कि वो अपना हक मांगने के लिए नहीं आज अपना हक छीनने के लिए इधर मौजूद, ब्लॉक मुकम्मल तौर के ऊपर मांगे मुकम्मल, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई लोग,